सुनीति जिस दिन थी उस दिन बहुत धमाल मच गई थी और हमने कहा था अगर आप चाहते हैं कि सुनीति चौहान आपके घर पे आए और चाय पकौड़ा फरमाए तो आप SMS कीजिए, और ये भाई साहब ने इतने SMS किए कि बाढ़ आ गई और सुनीति यहाँ पर है ऑल द वे फ्रॉम हर प्लेस इन लोखंडवाला से यहाँ तक पहुँची है सिर्फ चाय पकौड़े के लिए। कैसा महसूस हो रहा है सुनीति? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छे लगे अपने फोटोग्राफ्स उनके घर में देखते हैं और आई रियली लाइक ऑल दिस, मुझे मज़ा आ रहा है और थोड़े बड़े चाय बहुत अच्छी। आप बताइए थी इससे पहले आप किसी लिसनर के घर पर गई थी, ऐसा कब हुआ था? ऐसा दिल्ली में हुआ था एक बार और तब मैं एक लिसनर के घर पर गई थी, वो विनर थे और वहाँ पर भी ऐसे ही वेलकम हुआ था जैसा यहाँ पर हो रहा है, तो इट्स ऑलवेज नाइस, बहुत अच्छा लगता है। आई एम हैविंग अ गुड टाइम। मैंने एक्टिंग के बारे में भी सोचा नहीं है, मैं सिर्फ सिंगिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। आई एम हैप्पी डूइंग दैट। प्रतिभाएं लोग दिखाते हैं, आई एम श्योर हम हर साल हर शो में अच्छे अच्छे सिंगर्स चुनते रहेंगे और वो ज़रूर लाइमलाइट में आएंगे किसी दिन। आई विश ऑल देम ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। मुझे सिर्फ अपना ही कॉन्टेस्ट याद है, वो DD1 के लिए था और उसमें मैं जीती थी, लता जी ने मुझे ट्रॉफी दी थी। दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। हर शो से बुलावा आता है, सबसे पहले मुझे ही आता है लेकिन मैं नहीं करती। तो उसके पीछे कोई कारण? कोई खास रीज़न नहीं, बस मेरा दिल नहीं कहता कि मुझे करना चाहिए तो मैं नहीं करती। तू बाहों में आ जा जरा लकी बॉय, यू माय लकी बॉय, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.